आज मैं आपके लिए एकदम नई और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम कप में 4 लेयर वाला नारियल के बुरादे से कपकेक बनाएंगे। ये बहुत ही आसानी से और कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। ये केक इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं ना कि बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम कपकेक बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ 1 कप बारीक वाली सूजी ले ली है और इसे हम बाउल में डाल देंगे और इसी कप के नाप से हमें 1/2 कप मिल्क पाउडर ले लेना है। हमने सूजी का 1/2 मिल्क पाउडर ले लिया है, इसे भी हम बाउल में डाल देंगे। सूजी और मिल्क पाउडर को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। यहाँ हमने 1 कप दूध ले लिया है और दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी और मिल्क पाउडर में डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें दूध एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध ही हमें सूजी में डालना है, नहीं तो सूजी में हमारे गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए हम दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। आप देख सकते हैं बैटर अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इस सूजी में हम और भी दूध डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से सूजी में मिला देंगे। ये केक ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। आप मेरे कहने पर एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से दूध में मिल चुकी है। अब इसमें हम 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। आप वेजिटेबल ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बूंद हमने वेनिला एसेंस डाल दिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से सूजी में मिला देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सूजी में मिल चुके हैं। अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। और यहाँ हमने गैस पर कुकर चढ़ा दिया, इसमें हमने 1/2 ग्लास पानी डालकर इसमें एक रिंग रख दिए हैं और गैस की आंच पूरी तरह से स्लो करके छोड़ देंगे। हम यहाँ ग्रेटर की मदद से गुड़ को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाते हैं। हमने यहाँ 100 ग्राम गुड़ लिया है। आप चाहे तो चाकू की मदद से गुड़ को पतला पतला काट भी सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। यहाँ हमने 1/2 कप नारियल का बुरादा ले लिया है। नारियल का बुरादा आप 1/2 कप लीजिएगा और इसे गुड़ में हमें अच्छी तरह से मिला देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। आप भी नारियल के बुरादे को गुड़ में अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। ये अच्छे से मिल गए हैं। हमने यहाँ 3 कप ले लिया है क्योंकि हम कप में ही केक बनाएंगे। ब्रश की मदद से हम कप में ऑयल को अच्छी तरह से सभी जगह लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमने ऑयल को कप में अच्छी तरह से सभी जगह लगा दिया है। अगर आप ऑयल अच्छे से नहीं लगाएंगे ना तब आपको केक निकालने में थोड़ी दिक्कत सी होगी, इसलिए आप ऑयल अच्छे से सभी जगह लगा दीजिएगा। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है, लेकिन बैटर हमें अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। इसमें हम 2 चम्मच दूध और डाल देंगे और इसे भी हम सूजी में अच्छी तरह से मिला देंगे। ऐसे ही बैटर हमें बनाना है। यहाँ हमने 1 इनो का पैकेट ले लिया है। इस इनो के पैकेट को हम पूरा बैटर में डाल देंगे और इसके ऊपर हम 1/2 चम्मच पानी डाल देंगे। आप देख सकते हैं बैटर में इनो कैसे एक्टिवेट हो रहा है, ये कैसे एकदम झाग जैसे बन रहे हैं। इसे हमें हल्के हाथों से बैटर में अच्छी तरह से मिला लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमने यहाँ ऑयल से लगा हुआ कप ले लिया है। इसमें हम सूजी का बैटर 1-1 चम्मच 3 कप में डाल देंगे। ये प्रक्रिया हमें बहुत ही जल्दबाजी में करना है और ग्रेटेड कोकोनट और गुड़ का हमें बुरादा इसके ऊपर अच्छी तरह से सभी जगह फैला देना है और इसे हम थोड़ा मोटा लेयर में ही फैलाएंगे क्योंकि हमने बैटर में शुगर या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं इसे हमने मोटे लेयर में सभी जगह अच्छी तरह से फैला दिया है। 3रा लेयर भी हम बैटर का कप में 1-1 चम्मच अच्छी तरह से डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने 3रा लेयर भी कप में अच्छी तरह से डाल दिया है। अब हम 4था लेयर फिर से नारियल का बुरादा और गुड़ से इसके ऊपर अच्छी तरह से सभी जगह फैला देंगे
और आप देख सकते हैं कप को हमने पूरा भरे नहीं है, क्योंकि जब ये स्टीम होंगे तो पूरा फूलकर ऊपर तक आएंगे। अब हमें बिना देरी किए इसे कुकर की जाली पर सावधानी से रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ढक्कन पर ना ही सीटी और ना ही रबर बैंड लगाया है, और इसे हम ढककर 20 मिनट तक स्टीम कर लेंगे और गैस की आंच हम पूरी तरह से फास्ट कर देंगे। फास्ट गैस पे ही इसे हमें 20 मिनट तक स्टीम करना है। 20 मिनट हो चुके हैं, हम कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे कि हमारा केक हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं केक एकदम फुला फुला बना है। मैं इसमें टूथपिक डाल रही हूँ, टूथपिक हमारा एकदम क्लीन निकल रहा है। हमारा केक अच्छी तरह से कुक हो गया है। हमने यहाँ केक को बाहर निकाल दिया है और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से पूरा ठंडा हो जाए तब हम चाकू की मदद से कप के किनारे किनारे में ऐसे चाकू को डाल देंगे ताकि हमारे केक है कप में से आसानी से निकल जाए। आप देख सकते हैं इसे हमने पीछे टैप कर दिया है, ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे हमने सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको मैं एक काट के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। चार लेयर वाला ये केक देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में आपको मैं क्या बताऊँ, आप अपने घर बनाएंगे तो ही इसका स्वाद जान पाएंगे। देखिए कैसे फूले फूले और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आप ये अपने घर कपकेक बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कपकेक कैसा बना था। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये यम्मी कपकेक खानी है तो अपने घर बनानी तो पड़ेगी, तो आप अपने घर यम्मी कपकेक बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।